वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्लास इलेवेंथ की फिजिक्स पढ़ाने के लिए इंटर लेवल के लिए, तो आज हम लोगों ने क्लास इलेवेंथ का डिस्कशन किया है। जो बीएससी के टॉपिक हैं उनका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और इलेवेंथ के टॉपिक का अलग सिलेबस बना दिया जाएगा, अलग प्लेलिस्ट होगा। तो आप जिस इलेवेंथ में है तो आप इलेवेंथ के पोर्शन में जाके उसके प्लेलिस्ट में जाके और बीएससी के टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो बीएससी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये इलेवेंथ का टॉपिक है और इसको बताएं लोगों को कि क्योंकि क्या है कि लोग परेशान हैं फिजिक्स को लेके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्कशन के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि इस बार से सिलेबस सबका सेम हो गया है, मतलब सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, तो टॉपिक सब सेम है। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग तो सेम है बट हमें हिंदी इंग्लिश टर्म्स सीखने होंगे। तो वो इस वीडियो में आपको दोनों लोगों को आसानी होगी समझने में, तो बस थोड़ा सा वीडियो को देखें, एंड तक देखें और वीडियो के एंड्स में हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स एक, जैसा आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे, फिजिक्स ये साइंस का एक ब्रांच है। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम मास और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो भी वर्ल्ड में कुछ भी है वो मास एनर्जी ही है, उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो मास है या तो एनर्जी है, या तो प्योर एनर्जी है या तो मास है, या उनके बीच में मास और एनर्जी का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो जो भी है बियॉन्ड द एनर्जी और मास के नहीं है, तो ठीक है, यानी द्रव्य एवं ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिजिक्स कह सकते हैं इज ऑल अबाउट द मास एंड एनर्जी, द्रव्य एवं ऊर्जा, ठीक है। अब इसके वेरियस ब्रांचेस, मतलब इसकी कितनी शाखाएं हैं, तो इसकी ब्रांचेस हैं, आप जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, जहां पे हम फोर्स या स्पीड या एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं वो मैकेनिक्स पोर्शन होता है, इसको हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स पोर्शन होता है। फिर आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। तो थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी आपका होता क्या है, जहां पे हम हीट यानी ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे पोर्शंस को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं यानी ऊष्मा गतिकी बोलते हैं। फिर आपका आता है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, ऑसिलेशन जिसको हिंदी में तरंग एवं दोलन कहते हैं, तो इसके बारे में। फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में से विद्युत चुंबकीय पोर्शन कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे हिंदी में स्थिर विद्युत कहते हैं, ये सब आपको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश वाले पोर्शन को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, जो नए फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्न फिजिक्स यानी नए फिजिक्स के अंतर्गत हो रहा है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आज आप मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही देन है। तो ये सब बातें आप जानते हैं, थोड़ी बहुत सुने भी होंगे, तो आपको ये सब पोर्शन को इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ना है। इलेवेंथ में आपको मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी और वेव एंड ऑसिलेशन यानी तरंग एवं दोलन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्ट और है, इस पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका है कि उसके बाद आपके में हेडिंग है आपके एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट, भाई फिजिक्स पढ़ने से हमें क्या मिलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स में हम जहां छोटे छोटे मास मेजर कर पा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फील किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं हम यूनिवर्स, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं पूरा कि यूनिवर्स एंड कहाँ पे है, स्टार्ट कहाँ पे, उसका भी हम मास मेजर कर पा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है कि जिस चीजों को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीजों को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उनका मास जरूर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इस वजह से फिजिक्स बड़ा रोचक है, यानी इंटरेस्टिंग है, एक्साइटमेंट है पढ़ने में इसमें। फिर डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, जैसे हम न्यूक्लियर के साइज, नाभिक के साइज को हम मेजर कर पा रहे हैं, वो फर्मी यानी 10^-15 10 की घात -15 मीटर के ऑर्डर का होता है, वहीं हम यूनिवर्स के लेंथ को भी मेजर कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंटरेस्ट है इसमें कि जिन चीजों को हम देख भी नहीं पा रहे हैं या सोच भी नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप आगे कैरी करना चाहते हैं तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर टाइम के साथ भी है कि हम टाइम, छोटे टाइम से लेके बड़े टाइम तक भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। फिर आपका आता है कि फोर्सेस, मतलब नेचर में कितने तरीके के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस,
प्रकृति में कितने तरीके के बल देखे जाते हैं। तो पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फिर दूसरा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। फिर आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं छीण नाभिकीय बल। फिर चौथे नंबर पे आपका फोर्स आता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, जैसे हम कहते हैं मजबूत नाभिकीय बल। अब ये बल आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इनके चैप्टर्स आएंगे, जैसे ग्रेविटेशनल का एक अलग चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत, और ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस वहां भी वो चीज मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल न घबराएं, ये पहला चैप्टर है, बस यहाँ पे एलिमेंट्री बातें की जाएंगी। फिर चैप्टर जब शुरू होगा तो अलग अलग डिस्कशन बहुत लार्ज और बहुत डिटेल में करेंगे। फिर बात आती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा फोर्स किस लेवल, मतलब कि कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा फोर्स ज्यादा वीकर है। तो आपका जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, वो सबसे स्ट्रांगेस्ट यानी सबसे मजबूत बल कौन सा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कि छीण नाभिकीय बल, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये इनके बारे में है, इनके सीक्वेंस के बारे में कि कौन सा फोर्स ज्यादा मजबूत है, कौन सा फोर्स कम मजबूत है, समझ में आया। फिर बात आती है कंजर्व क्वांटिटी, जिसे हिंदी में संरक्षण बल कहते हैं, सॉरी संरक्षण संरक्षित राशि। मान लीजिए कोई क्वांटिटी जैसे सेम है, जैसे आपने क्या किया कि आपने किसी दोस्त को कुछ पैसा उधार दे दिया, तो वो आपके पास पैसा तो कम है बट आपको पता है कि हाँ पैसा मेरा कहीं और है। तो इस तरीके से आपका किसी प्रक्रिया में अगर कोई क्वांटिटी क्या हो जाए, कोई राशि रिमेन्स मतलब कांस्टेंट रह जाए। कांस्टेंट रहने का क्या मतलब कि जो शुरू में रहे वही आखिरी में रहे, जो शुरू में जितना उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा हो वही प्रक्रिया यानी प्रोसेस के आखिरी में रहे। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कंजर्व क्वांटिटी यानी हिंदी में संरक्षण संरक्षित राशि कहते हैं। फिर कुछ कंजर्वेशन लॉ, कुछ संरक्षण के नियम है। पहला आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी न तो जनरेट की जा सकती है न तो डिस्ट्रॉय कर जा सकती, बस यही आपका एनर्जी का संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा का संरक्षण नियम। दूसरे नंबर पे आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें संरक्षण नियम क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर यानी किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है, तो बॉडी का जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम यानी संवेग होगा वो संरक्षित यानी कंजर्व होगा एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर आप किसी बॉडी पे नहीं लग रहा है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नोट्स हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो के एंड में सब सिक्वेंसली आपको दिखाया जाएगा कब क्या आपको लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब बॉडी कोई रोटेट करता है तो बॉडी रोटेशन के दौरान जो उसका मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये आप लोग चैप्टर नंबर उसमें रिजिड वाले रिजिड बॉडी पोर्शन में है, आप उसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंडों की गति के चैप्टर में, तो वहां आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमको ये समझना है कि ये बस एलिमेंट्री बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीफेस है, इसके बारे में आपको हल्का सा ओवरव्यू किया जा रहा है। फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आपके लिए 12th में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है यानी चार्ज को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो चार्ज पहले था वो अब भी है और बाद में भी रहेगा। फिर आपका आखिरी कंजर्वेशन नियम है मास एनर्जी कंजर्वेशन, द्रव्य ऊर्जा संरक्षण, यानी कि किसी भी प्रोसेस में द्रव्यमान एवं ऊर्जा यानी मास एंड एनर्जी कंजर्व रहती है। आपको मास कम दिखेगा बट वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अगर एनर्जी कम दिख रहा है इट मींस वो मास में ट्रांसफर हो गया है, तो ये एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो टोटल मास एनर्जी कंजर्व रहता है यानी द्रव्यमान एवं ऊर्जा कंजर्व रहता है। तो दोस्तों ये टॉपिक रहा आज के 11th का फर्स्ट यूनिट का, तो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, आपको किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। हाँ ये जो टॉपिक है इनके बारे में डिटेल अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम आपके सामने इसके
नोट्स को दिखाने जा रहे हैं सिक्वेंशियली। तो नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेज नंबर 1 है, इसके बारे में आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे वीडियो को पॉज करके, लेकिन ये आपको कारगर सिद्ध होगा जब आप इसे एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका पहला पेज है, इसको आप लोगों इस वीडियो आप यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में बताएं जो क्लास 11th में बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि ये किसी निडी पर्सन जिसके जिसके पास कोचिंग का पैसा नहीं है उसके पास ये वीडियो पहुंचे तो शायद आप अच्छा होगा। मेरा जो मोटिव है ये इस चैनल चलाने का वो सिद्ध होगा कि किसी जरूरतमंद के पास वीडियो पहुंचे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पढ़ाया जा रहा है, दोनों में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये पहले इंग्लिश का नोट्स आपको देख रहे हैं, इसके बाद हिंदी का नोट्स दिया जाएगा। तो हिंदी वाले थोड़ा वेट करें, ये पहला पेज रहा। फिर ये आप इधर चैनल के, ये आपका मिश्रा एजुकेशन, यहां से आपको लिखना है, ये पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 3 रहा, ये पेज नंबर 4 रहा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए आज। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स रहा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी उदास न रहे, आपको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस। ये आपका दूसरा पेज रहा, ये आपका तीसरा पेज रहा। तो बीएस 11th के लिए पहला चैप्टर में, तो आप अपने फ्रेंड्स में ये बताएं कि चैनल के बारे में बताएं, और आप भी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी प्रॉब्लम को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करने से आपका कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा, लेकिन शायद है कि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए। फिर अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।